नेक्स्ट डिजिटल अपने ग्राहकों के लिए नई उपलब्धियां लेकर आया है, जो इस तरह है, केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के बाद डिजिटल सेटअप बॉक्स और ब्रॉडबैंड के साथ ही 700 से अधिक चैनल्स लेकर आया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा चैनल्स दिखाने वाला सेटअप बॉक्स बना है NXT डिजिटल। NXT डिजिटल की ओर से आई एम नागपुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें NXT डिजिटल ग्राहकों के लिए लेकर आया है 700 से अधिक चैनल्स, जो कि अब तक सबसे ज्यादा चैनल्स दिखाने वाला सेटअप बॉक्स बना है। साथ ही NXT डिजिटल विविध उपलब्धियां लेकर आया है, जिसमें अब NXT डिजिटल केबल सर्विस के बाद डिजिटल नेटवर्क के बाद डिजिटल सेटअप बॉक्स और ब्रॉडबैंड भी लेकर आया है। अभी हमारे साथ फिलहाल रूस जी है, जो CEO है नेक्स्ट डिजिटल के। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो नया कुछ फॉर्मेट लेके अपने ग्राहकों के लिए आए हैं, क्या बताना चाहो। वेलकम नागपुर, सबको बीते हुए जनता दिवस का शुभकामनाएं। पहले हमारा ये कंपनी जो है, आज 25 साल हो गए, हम लोग 25 साल कंप्लीट कर रहे हैं, ये फरवरी में हमारा 25 साल हो जाएगा। जो कंपनी चंद चैनलों से चालू किया वाला कंपनी, आज हम नागपुर में करीबन 700 प्लस चैनल्स का हम लोग ऑफर लेके आए हैं, और ये नागपुर के लिए पहला कंपनी है जो 700 प्लस चैनल्स देगी, और हमारे कंट्री में, इंडिया में सबसे बिगेस्ट नेटवर्क है हमारा, जो 700 प्लस चैनल्स ऑफर कर रही है। और नेक्स्ट डिजिटल जो है, ये पूरा इंडिया में हर स्टेट में अवेलेबल है, और यही एक कंपनी है जो पैन इंडिया ट्रूली नेशनल जो बोलते हैं, ये हर स्टेट में अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट लाइक 70% हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा अवेलेबिलिटी है, ये हमारा जो नेक्स्ट डिजिटल लिमिटेड जो है। तो ये हमने अभी यहाँ पे नागपुर में खास करके हम क्या लेके आए हैं नागपुर के लिए कस्टमर्स के लिए, है कि हम लोग अभी एक केबल के साथ ब्रॉडबैंड और हाइब्रिड सेटअप बॉक्सेस, जो आगे जाके एंड्रॉयड और OTT सर्विसेज देख पाएंगे सब्सक्राइबर्स, ऐसा एक हम लोग लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे बेस्ट अच्छा ये है कि सब्सक्राइबर को अपना केबल ऑपरेटर भाई लोग से एक ही केबल में और एक ही सर्विस में उनको सब कुछ मिल जाएगा, सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो चाहे वो केबल TV हो, ब्रॉडबैंड हो, इवन वो लोग OTT का सर्विसेज भी हम लोग जल्द से जल्द उनको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो ऐप्स आज जो सब्सक्राइबर्स देखते हैं, अपने ऑपरेटर भाई लोग से अगर लेंगे तो उनको उसमें थोड़ा एक मुनाफा हो जाएगा। OTT सर्विस है ये, कब तक नागपुर वासियों को जो है मिल पाएगी? हम लोग सोच रहे हैं कि भाई Q1 ऑफ दिस फिस्कल ईयर, यानी कि अप्रैल तक हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हो जाएगा। टेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, मुंबई में हम लोग ने टेस्टिंग स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ पे जो है नागपुर के लिए Q1 का प्लान है। उसके पहले मेट्रोस जो भी हैं हमारे, मुंबई बोलो, दिल्ली बोलो, बैंगलोर बोलो, यहाँ पहले स्टार्ट हो जाएगा, एंड बाय द टाइम यहाँ आते आते इट विल बी अप्रैल, Q1 ऑफ नेक्स्ट फिजिकल ईयर, दैट्स द प्लान। राइट, थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने जाना कि अभी नेक्स्ट डिजिटल जो है नई कुछ फॉर्मेट लेके आया है, QT सर्विस जो है वो लेकर आया है, और जल्द ही वो अप्रैल तक नागपुर में भी शुरू होने वाली है, ऐसा CEO नेक्स्ट डिजिट के रूस इन्होंने हमें जानकारी दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।